घर घर में कह दो फिर से तुम्हारा धर्म आ गया है। दलितों की बेटी कहलाना पसंद करने वाली बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती पहले से ही अपने सियासी सौतन से परेशान थी, वो भी तब जब दलितों के बीच एक नया नायक बनकर उभरे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कभी राजनीति करने की बात भी नहीं की थी। वो दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा और ज्यादतियों के खिलाफ केवल एक बुलंद आवाज बनकर उभर रहे थे, लेकिन तभी मायावती तिलमिला उठी थी। मायावती ने खुलकर कहा था कि दलितों को बांटने और कमजोर करने के लिए बीजेपी चंद्रशेखर को अपना सियासी खिलौना बना रही है। अब तो चंद्रशेखर ने खुलकर कह दिया है कि वो राजनीति के मैदान में उतरने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश केवल आबादी के लिहाज से ही नहीं बल्कि सियासत में सबसे बड़ा और अहम रोल अदा करता है, इसलिए वो यूपी की माटी से अपनी सियासी पारी का आगाज करेंगे और राजधानी लखनऊ में अपना हेड ऑफिस बनाएंगे। सोचिए चंद्रशेखर के इस ऐलान से मायावती के दिल पर कैसे छुरियां चल रही होंगी। दरअसल चंद्रशेखर ने सहारनपुर दंगे के बाद जिस तरह से दलितों के हक में आंदोलन खड़ा किया और बीजेपी सरकार ने उसे जेल में डाल दिया तो रातों रात हीरो बने। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अस्पताल में उनसे मिलकर ये जता दिया कि इसमें दलित नेता होने के लक्षण या यूं कहें कि वायरस है। जेल से छूटने के बाद चंद्रशेखर मायावती को ही अपना नेता बताता रहा। सहारनपुर और आसपास के इलाकों में चंद्रशेखर की पकड़ इसलिए भी मजबूत होती चली गई क्योंकि तब उसके मन में सियासत की हसरत नहीं थी। पश्चिमी यूपी के दलित मानने भी लगे थे कि बीएसपी के हर पैतरे के पीछे राजनीति होगी क्योंकि वह एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन चंद्रशेखर नहीं। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर ने बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उसी दिन से उनके मंशा जवान होने लगी। तभी से वो लगातार मायावती के निशाने पर आते रहे। चंद्रशेखर से खतरा मानकर मायावती ने न केवल उनसे दूरी बनाए रखी बल्कि समय समय पर बीजेपी का एजेंट बताकर अपने वोटरों को उनसे दूर रहने की हिदायत भी देती रही। इसे फिर एक सोची समझी वह घिनौनी राजनीतिक साजिश के तहत ही मीडिया में उजागर करवाया गया है, जबकि सहारनपुर जिले में बीएसपी के लोगों का ये मानना है कि भीम आर्मी नाम का जो ये संगठन है यह पूरे तौर से बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। दरअसल इस सियासी अदावत की जड़ें सहारनपुर से है, इसी जगह से मायावती ने भी सियासी पकड़ बनाई और चंद्रशेखर ने अपनी पहचान। दोनों की ही सियासत सहारनपुर के इर्द गिर्द होते हुए वेस्ट यूपी में फैली। हालांकि बीएसपी पूरे प्रदेश में फैली है लेकिन उसकी पकड़ अवध और पूर्वांचल के मुकाबले पश्चिमी यूपी में ज्यादा मजबूत है। चंद्रशेखर जब ऐलान करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई दलित संगठन लड़ाई लड़ सकता है तो वो केवल भीम आर्मी है। मायावती का चंद्रशेखर केवल अकेला सियासी दुश्मन नहीं है, मायावती के खिलाफ बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी है। ये सभी पार्टियां चाहती हैं कि मायावती कमजोर हो और दलित वोट बैंक बिखरे ताकि वो उस पर डाका डाल सके, इसलिए सभी पार्टियों में चंद्रशेखर में उम्मीद की लौ नजर आती है। चंद्रशेखर ने जिस चालाकी से अपने राजनीतिक कदम बढ़ाए हैं मायावती के लिए उसके मकसद को पहचानना मुश्किल नहीं है, इसलिए वो दलित समुदाय को आगाह करती रहती हैं कि चंद्रशेखर से होशियार रहें। अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि चंद्रशेखर की सियासत क्या गुल खिलाती है, दलितों के बीच में वो मायावती को पानी पिलाते हैं या मायावती उनको। आकाश शुक्ल, लखनऊ।